क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। देख रहे हो, लंगूर के हाथ हूर लग गई है। हूर कमाल घर है ना, बहुत सुंदर है। हाँ है तो, लेकिन सुंदर मकान को स्वर्ग बनाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलें। हम अच्छे से जानते हैं इसको, IAS है ये। क्या नाम है इसका माँ? सागर घोष। पिछली बार जब हमारे पास कोई पोस्ट नहीं थी तो बड़ा अकड़ दिखाता था ये। इसका अकड़ तो अब तोड़ देते हैं माँ। चलो फिर उन लोगों को चाय पे बुलाते हैं। ठीक। कितनी प्यारी मुर्शिदाबादी सिल्क है ना। खास तुम्हारे लिए तो मंगवाए हैं। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी, आप मिल लिए तो काफी हमारे लिए। जरूरत क्यों नहीं है? देखिए आयस बाबू, ये हमारे घर का मामला है, यहाँ तुम्हारी ना नहीं चलेगी। बहू पहली बार घर आई है, अब बिना कोई भेंट दिए खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे ना। एक काम करो, तुम अंदर जाके इसको पहन कर देखो, देखो तुम पर कैसी लगती। शिफाली, इन्हें अंदर लेकर जाओ। जी आओ। ठीक है अम्मा, इतना कह रही हैं तो ट्राई कर लो। और मुझे सेक्रेटरी साहब के यहाँ भी जाना है, तो फिर मैं शाम को घर पे मिलता हूँ सीधा। ठीक है। अच्छा अम्मा जी, कैसी लग रही हूँ? काफी खूबसूरत लग रही है। आप कौन? विक्रांत। दरअसल ये हमारा ही कमरा है। ओह सॉरी, एक्चुअली कामिनी जी ने शेफाली के साथ ये सारी ट्राई करने के लिए यहाँ भेजा था, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे ये दरवाजा क्यों बंद, खुल नहीं रहा है। शेफाली, ये तो बंद है। अरे शेफाली, कामिनी जी, दरवाजा खोलिए। कामिनी जी, जब कोई हमें मना करता है ना, हमें बहुत मजा आता है। कामिनी जी, कामिनी जी, कितना चिल्लाती है ये लड़की। हम पे ना चार मर्डर का केस चल रहा है, और बाहर जाके अगर आप ज्यादा बातें चीते करेंगी ना तो पांचवा
सागर बाबू का भी हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं आप अपना पति परमेश्वर से बहुत प्रेम करती हैं, कड़वा चौथ का व्रत रखती है ना उनके लिए, तो ऐसा सब नहीं कीजिएगा। ये लीजिए, थोड़ा हुलिया सुधारिए। आज पास नहीं होगी हमारे? हे श्यामली, रो क्यों रहे? श्यामली क्या हुआ? अरे बाबा, व्हाट हैपेंड? मुझे ये जगह पे नहीं रहना। इट्स ओके, लेकिन तुमने तो कहा था ना कि कहीं पटना किसी बड़े शहर ट्रांसफर ले लो। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन आप काम पर चले जाते हो और उसके बाद मैं अकेली हो जाऊंगी यहाँ पे, मुझे डर लगेगा। देखो, जहाँ रहते हैं ना वहाँ कोई IAPS है, कोई IAS है, कोई मिनिस्टर है, तो तुम यहाँ पूरी सेफ हो, यू डोंट हैव टू वरी। हाँ माँ। मैडम, आपसे कोई मिलने आई है। भेज दो। जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामिनी जी ने भेजा तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए। मुझे जरूरत नहीं है, चली जाओ। तुम्हारे लिए उसे रहने दीजिए वहां। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। पर हमको चाहिए कि वो वहां रहे। मुझे देखिए, क्या है ना कि अब हमारा वहां आना जाना लगा रहता है, तो फिर आपका सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना। नहीं, और वैसे भी आपका जो फोटो निकाले थे वो है हमारे पास। आप कहें तो सागर बाबू के कार्यालय के बाहर चिपका देते हैं, और आप देख लीजिएगा जो भी। वहीं रहने दो उसे। तो मैं काम शुरू करूं? कोई नहीं आने वाला है, सबको अपने अपने काम पे लगा दिया। देखो, तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं घोष जी को आवाज लगा दूंगी। दे दो आवाज घोष जी को, बुला लो। सागर जी उठिए।
सागर जी, सागर जी उठिए ना। वो रात में चाय पिलाए थे ना सोने से पहले, हमने शेफाली को भेजा है ना यहाँ, उसने चाय में नींद की दवा मिला दी थी। परेशान मत होइए, नहीं उठेंगे, और अगर उठ भी गए तो वापस सुला दिए जाएंगे। जब कोई हमें मना करता है ना तो हमें बहुत मजा आता है।